फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। अभी हम हैं सिचुआन में, हमारा जो शहर है वहाँ पे, और हम लोग जा रहे हैं मकाऊ। पंछी जिनके नीले पंख रहे हमेशा संग संग, मकाऊ तोते। तो हम जा रहे हैं अपने काम से, और अगर मिला टाइम तो देखेंगे मकाऊ तोते। लुजाओ से जाएंगे हम बुलेट ट्रेन से, हाई स्पीड ट्रेन से छंटू चेंगड़ू, और चेंगड़ू से फिर हम लेंगे फ्लाइट मकाऊ के लिए। तो लेट्स गो, देखते हैं हाई स्पीड ट्रेन, गाउथी या बुलेट ट्रेन, एक ही बात। लेट्स गो। फ्रेंड्स, हम स्टेशन के अंदर आ गए हैं। वो जो है वो एंट्रेंस है, तो बस अब अंदर जाते हैं अपना टिकट लेके और निकलते हैं। फ्रेंड्स, ये जो बुलेट ट्रेन स्टेशन है उसका ये है वेटिंग एरिया, एंड इट लुक्स लाइक एयरपोर्ट। काफी बड़ा है, शॉप्स है और सिटिंग एरिया भी बहुत ज्यादा है। चलिए फ्रेंड्स, हैप्पी जर्नी टू अस, और जो जो भी जर्नी कर रहे हैं सबको हैप्पी जर्नी। ये है ट्रेन शानदार और पहुंचाने की बहुत जल्दी हमको छंटू। डॉक्टर साहब पहुंच गए, चंतू पहुंच गए हैं। अब चंतू साउथ रेलवे स्टेशन से जाएंगे चंतू त्यानफू एयरपोर्ट, और वहां से जाएंगे मकाऊ। और मकाऊ में क्या देखोगे? मकाऊ में देखेंगे ब्लू ब्लू तोते। टॉय खरीदेंगे, बीच में पहुंच दूंगा। ठीक। तो फ्रेंड्स, ये है चाइना की बुलेट ट्रेन जिससे हम उतर गए हैं। अब हम जाएंगे एयरपोर्ट, और ये है रास्ता। हाँ फ्रेंड्स, मैं टिकट ले रही हूँ एयरपोर्ट जाने के लिए, लाइन नंबर 18 मेट्रो है। हाँ, मेट्रो। और ये है त्यानफू इंटरनेशनल एयरपोर्ट नॉर्थ। तो यहाँ के लिए हम मेट्रो ले रहे हैं, और ये हमने ले ली है टिकट। वीचैट से पे कर दिया? हाँ, ये वीचैट से पे कर दिया है, और ये है Thank you.
फ्रेंड्स, हमारा इमिग्रेशन वगैरह सब कुछ हो गया है, बैग भी जमा हो गया है और अब हम जाएंगे गेट नंबर 122 में। हमारा जो गेट है फ्लाइट के लिए है वो 122, और ये है एयरपोर्ट का व्यू। और ये कितना अच्छा लिखा हुआ है, देखिए, आई लव चेंगडू, आई लव चेंगडू। मकाऊ में हेलो फ्रेंड्स, तो हम लोग पहुंच गए मकाऊ में, लैंड हो चुके हैं और अपना बैग लेने वाले हैं। और ये हमको मिला है वीजा ऑन अराइवल। हाँ। और ये है 1 मंथ का। तो एक ये इन्फॉर्मेशन है कि अगर आप मकाऊ आ रहे हैं तो 1 मंथ का वीजा आपको बड़ी आसानी से मिल जाता है यहाँ पे रहने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, तो आ गए हैं हम लोग यहाँ पर शटल बस लेकर एयरपोर्ट से, और ये है हमारा होटल। यहाँ पर हम 5 दिन रहने वाले हैं और मकाऊ को घूमने वाले हैं। और आसपास जो नजारा है वो काफी सुंदर नजारा है, बहुत प्यारी प्यारी बिल्डिंग्स, डेकोरेशन और होटल है। तो आप देखिए कितना सुंदर और कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कि हम अरवीर फ्रेंड, ये है वेनेटियन होटल की 3rd फ्लोर जहाँ पे हो रही है बोटिंग और ऊपर है आसमान, एंड दैट इज वेरी ब्यूटीफुल स्काई। यहाँ पे सामने इधर है शॉपिंग और इस तरफ भी शॉपिंग, और पूरे फ्लोर पे हम शॉपिंग कर सकते हैं, कपड़े या शूज वगैरह जो। तो बहुत ब्यूटीफुल है, अमेजिंग है और बहुत ही अलग एक्सपीरियंस। फ्रेंड्स, ये जो वेनेटियन होटल है उसका 3rd फ्लोर ही है जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया, और दूसरा साइड है जहाँ पे फूड कोर्ट है और बहुत ज्यादा डिलीशियस खाना मिल रहा है और आदमी भी खाना खा रहा है। चाइनीज फूड भी है, एशियन कजिन्स भी है,
आपको बहुत सारे तरह का डिलीशियस खाना मिल रहा है। तो शानदार प्लेस है, और वैसे तो रात हो गई है पर ये जो आसमान है ना इसकी वजह से लग रहा है कि सुबह हो गई। कितना अच्छी हम लोग खाना वगैरह खाकर फिर बाहर की तरफ निकले, और बाहर जो आर्किटेक्चर था, जो बिल्डिंग्स थी वो काफ़ी सुंदर थी। काफ़ी ऐसा लग रहा था कि एक पुर्तगाली लुक है जो कि बहुत अच्छा लग रहा था। और उसके बाद हम बस में बैठ के बीच की तरफ गए, और जैसे ही हम बीच की तरफ पहुँचे वो जो व्यू था वो काफ़ी अमेजिंग था। इतना शानदार व्यू था कि हम उसको देखते ही रह गए। आसमान काफ़ी साफ था, सुंदर था, और व्यू एकदम एनर्जेटिक, एकदम ब्यूटीफुल था। चलो आरवी अब आगे की तरफ चलते हैं और बीच की साइड देखते हैं कि बीच कैसा है। और चलते चलते ये जो घर दिख रहे हैं वो इतने सुंदर लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि वाह क्या घर है। और ऊपर से दूसरी तरफ बीच है, और वो बीच भी ज़बरदस्त है, बहुत ही भव्य बोल सकती हूँ मैं, बहुत ही शानदार व्यू है। अगर ऐसी जगह पर घर हो तो क्या बात है। के बीच में बड़ा मजा आ रहा है, मौजा आ रहा है। बीच से घूमने के बाद हम लोग बस में बैठकर यहाँ पर आए, और यहाँ पर आते ही जो नज़ारा था वो कुछ अलग ही था। रात हो चुकी थी, बहुत रंगीन आकर्षक नज़ारा था जो देखकर हमें बहुत अच्छा लगा। और ये काफी सुंदर ब्यूटीफुल नजारा है, जगमग जगमग लाइट है सब दूर, जैसे कि दिवाली हो रही है। आज हमारा होटल में लास्ट डे है, और हम नीचे आए ब्रेकफास्ट करने के लिए। और ब्रेकफास्ट इतना अच्छा है फ्रेंड्स, यहाँ पे वेस्टर्न ब्रेकफास्ट भी है और इंडियन ब्रेकफास्ट भी है, जो कि हमारे लिए काफ़ी सरप्राइजिंग है। लाइक छोले हैं, राजमा है, चावल हैं, पूरी है, पराठे हैं, तो वो जो ब्रेकफास्ट देख रहे हैं हम, उसको देख कर हमारा दिल खुश हो गया। फ्रेंड्स हम लोग मकाऊ एयरपोर्ट पर फिर से आ गए हैं और जा रहे हैं चंदू, और अभी करवा रहे हैं चेक इन। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं चाइना। इस तरह से हमारी मकाऊ की 4 से 5 दिन की ट्रिप थी, जो कि एकेडमिक भी थी, जिसमें हमने कॉन्फ्रेंस अटेंड की और साथ ही साथ मकाऊ को एक्सप्लोर किया। बहुत ही अच्छा लगा हमें मकाऊ आकर। और ये जो एयरपोर्ट है ये भी काफ़ी बढ़िया प्लेस है, क्योंकि ये समंदर पर है, समंदर किनारे पर लैंडिंग होती है और यहीं से टेक ऑफ होता है। तो इस तरह का एक्सपीरियंस भी लाइफ में मेरा पहली बार हुआ, और ये मुझे बहुत सुंदर लगा। तो फ्रेंड्स आप ज़रूर बताइएगा आपको ये ब्लॉग कैसे लगा। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। प्लीज़ do like, share and comment. Okay friends, bye bye.